तुलसीदास जयंती। संपूर्ण भारतवर्ष में महान ग्रंथ रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के स्मरण में तुलसी जयंती मनाई जाती है। श्रावण मास की अमावस्या के सातवें दिन तुलसीदास की जयंती मनाई जाती है। गोस्वामी तुलसीदास एक महान कवि संत है। हिंदू पुराण ग्रंथ की बहुत अच्छी समझ रखते थे एवं एक महान गुरु के तौर पर पूजे जाते हैं। तुलसीदास राम भक्त कहलाते हैं। वे राम की मर्यादा, वीरता और सामान्य जन के प्रति उनके प्रेम से अत्यंत प्रभावित थे। गोस्वामी तुलसीदास ने सगुण भक्ति की राम भक्ति धारा को ऐसा प्रभावित किया कि वह आज भी प्रभावित हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास ने राम भक्ति के द्वारा न केवल अपना ही जीवन कृतार्थ किया वरन सभी को श्री राम के आदर्शों से बांधने का प्रयास किया। उन्होंने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया तो पाया कि यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है जो आम जन की भाषा नहीं है। वाल्मीकि जी की रचना रामायण को आधार मानकर गोस्वामी तुलसीदास ने लोक भाषा में राम कथा की रचना की। सच तो यह है कि भारत भगवान राम द्वारा साधारण मानव के रूप में किए गए सद्कर्मों की कथा को सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए ही तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। हिंदी भाषा के विकास में इस ग्रंथ का योगदान अतुलनीय है। तुलसीदास जन्म विवरण एवं योगदान। तुलसीदास जी के जन्म से जुड़े राज आज सबके सामने सही तौर पर नहीं आए हैं। कुछ लोग इनका जन्म 1532 बोलते हैं तो कुछ 1589। वैसे तथ्यों की माने तो इनका जन्म सावन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन अद्भुत मूल नक्षत्र में हुआ था। इसके जन्म स्थान के तौर पर 7 जगह बोली जाती है। उनमें से एक है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर तुलसीदास जी का जन्म स्थान घोषित किया है। इसके अलावा सोरो, हाजीपुर, तारी की ओर से भी तुलसीदास जी की जन्मभूमि कहा जाता है। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे था एवं उनकी माता का नाम हुलसी देवी था। कुछ भविष्य पुराण में इनके पिता का नाम श्रीधर लिखा हुआ है। बचपन में इनका राम तुलसी राम वह राम भोला हुआ करता था। तुलसीदास जी की जाति को लेकर भी बहुत से कवास हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे सूर्य परिन ब्राह्मण थे, कुछ लोगों के हिसाब से वे कन्याकुबज, तो कुछ कहते हैं कि वे स्नाड्य ब्राह्मण थे। कुछ उन्हें शुक्ल ब्राह्मण व सर्बिया ब्राह्मण भी कहते हैं। कहा जाता है कि तुलसीदास जी अपनी माँ के गर्भ में 12 महीने तक रहे थे। उसके बाद जब उनका जन्म हुआ था तब तुलसीदास रोए नहीं बल्कि राम राम का नाम लेते हुए हुए और उनके मुंह में पूरे 32 दांत थे। उस समय उनके स्वास्थ्य और शरीर को देखकर लगता था कि वे 5 साल के लड़के हैं। यहीं से उनका नाम राम भोला पड़ा था। तुलसीदास जी का जन्म जब हुआ था तब पंचांग के हिसाब से मूल लगे हुए थे। इसका मतलब होता है बच्चे के पिता पर खतरा होता है। इसके निवारण के लिए उन्होंने तुलसीदास जी को दासी चुनिया के साथ भेज दिया था। चुनिया तुलसीदास जी को हरिपुर गांव ले जाती है जहां वो उन्हें 5.5 साल रखती है। इसके बाद चुनिया की मृत्यु हो जाती है। इस दौरान उनके माता पिता से भी उनका कोई संबंध नहीं होता। तुलसीदास जी अनाथ हो गए। उस समय तुलसीदास जी को अपना पेट भरने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। 5 साल की उम्र में तुलसीदास जी को नरहरिदास ने गोद ले लिया। वे एक रामानंद के मठवासी थे। उन्हें रामानंद जी का चौथा शिष्य कहा जाता है। यहाँ उन्होंने सन्यासी का वेश धारण कर वैरागी की दीक्षा ले ली जहाँ उन्हें नया नाम तुलसीदास मिला।
तुलसीदास जी जब 7 साल के हुए तब गुरु नरहरिदास के द्वारा उनका उपनयन उपाक्रम किया गया। उपाक्रम व्रत के बारे में यहाँ जाने। तुलसीदास जी ने अपनी दीक्षा अयोध्या से शुरू की। कुछ समय बाद उन्हें वहार क्षेत्र में ले गए। यहाँ उन्होंने पहली बार रामायण उन्हें सुनाई। इसके बाद वे बार बार रामायण सुनने लगे, जिससे उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगी। कुछ समय बाद तुलसीदास जी वाराणसी चले गए और वहाँ उन्होंने हिंदू दर्शन के स्कूल में गुरुशेष स्नातन से संस्कृत व्याकरण, चारों वेद, 6 वेदांग एवं ज्योतिष के बारे में शिक्षा ली। वे यहाँ 15-16 साल तक रहे। शेष नातना नरहरिदास के मित्र हुआ करते थे, जो साहित्य एवं दर्शन शास्त्र के विद्वान हुआ करते थे। शिक्षा पूरी करने के बाद तुलसीदास अपने गुरु शेष स्नातना के आज्ञा लेकर अपने जन्म स्थान राजापुर आ गए। यहाँ उन्हें पता चला उनके माता पिता दोनों अब नहीं रहे। यहाँ उन्होंने अपने माता पिता का श्राद्ध किया और अपने पैतृक घर में रहने लगे। वे अब चित्रकूट में रामायण की कथा सबको सुनाया करते थे। जाति और वंश के संबंध में तुलसीदास ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है। कवितावली एवं विनय पत्रिका में कुछ पंक्तियाँ मिलती है, जिनसे रतीत होता है कि वे ब्राह्मण कुल उत्पन्न थे। दियो सकुल जन्म सदीर सुदर हेतु जो फलचारी, को जो पाई पंडित परमपद पावत पुरारी मुरारी को। युवा होने पर तुलसीदास जी विवाह दीन बंधु पाठक की बेटी रत्नावली से हुआ, जो भारद्वाज ब्राह्मण थी। इनका एक बेटा हुआ था तारक, जो कम उम्र में ही चल बसा था। ऐसी मान्यता है कि अपनी पत्नी रत्नावली से तुलसीदास जी को अत्यधिक प्रेम था। एक बार तुलसीदास ने अपनी पत्नी से मिलने के लिए उफंती नदी को भी पार कर लिया था, परंतु अपने इसी प्रेम के कारण उन्हें एक बार अपनी पत्नी रत्नावली की फटकार, लाज ना आई आपको दोर आहे आहे नाथ अस्थि चम मया देह यह तात सोम ऐसी प्रीति ता, नेकू जो होती राम से तो काहे भव बीत बीता। तब उन्हें अपनी पत्नी ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, जितना प्रेम मेरे इस हार्ड मास के बने शरीर से कर रहे हो, उतना से यदि प्रभु राम से करते तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। यह सुनते ही तुलसीदास जी की चेतना जागी और उन्हें जीवन की दिशा ही बदल दी। उसी समय से वह प्रभु राम की वंदना में जुट गए और तुलसी जी राम जी की भक्ति में ऐसे डूबे कि उनके अनन्य भक्त बन गए। सांस्कारिक चीज़ों को त्याग कर तुलसीदास जी का अधिकांश जीवन चित्रगुप्त, काशी, वाराणसी, प्रयाग और अयोध्या में व्यतीत हुआ। 14 सालों तक वे भारत देश के अलग अलग जगह में गए और वहाँ लोगों को शिक्षा दी, साथ ही साधु संतों से मिलकर खुद भी शिक्षा ग्रहण की। तुलसीदास जी अनेक स्थानों पर भ्रमण करते रहे। उन्होंने अनेक कृतियों की रचना की। तुलसीदास जी संस्कृत भाषा के विद्वान थे। अपने जीवन काल में उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। लोगों का मानना है कि तुलसीदास संपूर्ण रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के अवतार थे। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों में रामचरितमानस, कवितावली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, गीतावली, हनुमान चालीसा, बरवे रामायण इत्यादि रचनाएं प्रमुख हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी 12 पुस्तकों की रचना की, लेकिन सबसे अधिक ख्याति उनके द्वारा रचित रामचरितमानस को मिली। दरअसल इस महान ग्रंथ की रचना तुलसी ने अवधी भाषा में की है और यह भाषा उत्तर भारत के जनसाधारण की भाषा है, इसलिए तुलसीदास को जन जन का कवि माना जाता है। भाषा के अनुसार 12 पुस्तकों को 2 भागों में बांटा गया है, अवधि, रामचरितमानस, रामलला, नहुछु, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्न। ब्रज, कृष्ण गीतावली, गीतावली, साहित्य रतन, दोहावली, वैराग्य संघीपनी और विनायक पत्रिका।
इन 12 के अलावा 4 और रचनाएं हैं जो तुलसीदास द्वारा रचित हैं, जिन्हें विशेष स्थान प्राप्त है। वो है हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, तुलसी सप्तशती। तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस को बहुत भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। रामचरितमानस, जिसमें तुलसीदास जी ने भगवान राम के चरित का अत्यंत मनोहर एवं भक्तिपूर्ण चित्रण किया है। दोहावली में तुलसीदास जी ने दोहा और सोरठ का उपयोग करते हुए अत्यंत भाव प्रधान एवं नैतिक बातों को बताया है। कवितावली में इसमें श्री राम के इतिहास का वर्णन कवित, चौपाई, सविया आदि छंदों में किया है। रामचरितमानस के जैसे ही कवितावली में 7 कांड मौजूद हैं, तुलसीदास जी जिनका नाम आते ही प्रभु राम का स्वरूप भी सामने उभर जाता है। तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता था उस भक्ति को पाने वाले जो अनेक जन्मों को धारण करने के पश्चात भी नहीं मिल पाती, उसी अद्भुत स्वरूप को पाने वाले तुलसीदास जी सभी के सामान्य एवं पूजनीय रहे। तुलसीदास जी की मान्यता है कि निर्गुण ब्रह्म राम भक्त के प्रेम के कारण मनुष्य शरीर धारण कर लौकिक पुरुष के अनुरूप विभिन्न भावों का प्रदर्शन करते हैं। नाटक में एक नट अर्थात अभिनेता अनेक पात्रों का अभिनय करते हुए उनके अनुरूप वेशभूषा पहन लेता है, अनेक पात्रों अर्थात चरित्रों का अभिनय करता है। जिस तरह वह नट नाटक में अनेक पात्रों के अनुरूप वेश धारण करने तथा उनका अभिनय करने से वे पात्र नहीं को हो जाता, नट ही रहता है, उसी प्रकार रामचरितमानस में भगवान राम ने लौकिक मनुष्य के अनुरूप जो विविध लीलाएं की हैं उससे भगवान राम तत्वतः वही नहीं हो जाते, राम तत्वतः निर्गुण ब्रह्म ही हैं। तुलसीदास ने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा है कि उनकी इस लीला के रहस्य को बुद्धिहीन लोग नहीं समझ पाते, तब मोह मुग्ध होकर लीला रूप को ही वास्तविक समझ लेते हैं। आवश्यकता तुलसीदास के अनुरूप राम के वास्तविक एवं तात्विक रूप को आत्मसात करने की है। गोस्वामी तुलसीदास की देन की ही देन है जो आज भारत के कोने कोने में रामलीलाओं का मंचन होता है। कई संत राम कथा के माध्यम से समाज को जागृत करने में सतत लगे हुए हैं। भगवान वाल्मीकि की अनूठी रचना रामायण को आधार मानकर गोस्वामी तुलसीदास ने लोक भाषा में राम कथा की मंदाकिनी इस प्रकार प्रवाहित की कि आज मानव जाति उस ज्ञान मंदाकिनी में गोते लगाकर धन्य हो रही है। रामचरितमानस की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हिंदी में इसके जितने संस्करण छपे हैं, उस पर जितने शोध प्रबंध छपे हैं, जितनी टीकाएं लिखी गई हैं, उतनी किसी अन्य काव्य कृति पर नहीं। अकेले गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होकर रामचरितमानस के सिर्फ मंझले साइज की 32,40,000 प्रतियां अब तक बिक चुकी हैं। गीतावली 7 कंडों वाली एक और रचना है जिसमें श्री रामचंद्र जी की कृपालुता का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली तथा बरवे रामायण, हनुमान बाहुक, रामलला नच्छू, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रशन और संकट मोचन जैसी कृतियों को रचा जो तुलसीदास जी की छोटी रचनाएं नहीं। रामचरितमानस के बाद हनुमान चालीसा तुलसीदास की अत्यंत लोकप्रिय साहित्य रचना है जिसे सभी भक्त बहुत भक्ति भाव के साथ सुनते हैं। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति रस के कवि थे। कवि सम्राट कहे जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास ने सनातन धर्म को न सिर्फ अनमोल ग्रंथों का खजाना दिया बल्कि सनातन धर्म के प्रति विश्वास जगाने का काम भी किया। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस, बरवे रामायण, विनय पत्रिका, रामलला मच्छू आदि प्रमुख ग्रंथों के रचयिता हैं। राम भक्त हनुमान को गोस्वामी तुलसीदास का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। महाबली हनुमान की उपासना के लिए भी तुलसीदास ने विभिन्न रचनाएं लिखी हैं जिनमें हनुमान चालीसा और बजरंग बाण आदि प्रमुख है।
तुलसीदास जी ने अपनी जिंदगी का अधिकांश समय उत्तर प्रदेश के गंगा किनारे बसे वाराणसी में बिताया था। वाराणसी में इनके नाम पर तुलसी घाट का निर्माण हुआ है। तुलसीदास जी ने ही वाराणसी में हनुमान जी के संकट मोचन मंदिर को ढूंढा था। उनके हिसाब से उन्होंने यहाँ हनुमान जी के दर्शन किए थे। तुलसीदास जी ने अपना अंतिम समय काशी में व्यतीत किया और वहीं विख्यात असी घाट पर संवतः 1680 में श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन अपने प्रभु श्री राम जी के नाम का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। इनके जन्म की तरह इनकी मृत्यु में भी लोग एक मत नहीं हैं। सब अलग अलग दिन इसके बारे में बोलते हैं।